राजा परीक्षित ने देखा कि एक शूद्र गाय को मार रहा है, परेशान कर रहा है। तो राजा परीक्षित ने शूद्र को मारने का प्रयास किया। ये शूद्र कौन है? ये शूद्र स्वयं कलयुग है। इसको रहने के लिए चार स्थान दिए गए। कौन से? द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्ता धर्मश्चतुर्विध। चार स्थान, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां शराब पी जाती हो, जहां किसी की हिंसा की जाती हो और जहां मदरा यानी शराब पी जाती हो। इन चार जगह पर कलयुग को निवास मिला। कलयुग ने कहा, महाराज कोई और अच्छा स्थान दीजिए। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। जात रूप कहते सोने को, स्वर्ण में निवास मिला। कलयुग सोने में रहने लगा, अधर्म नीति का सोना। राजा परीक्षित ने मुकुट पहना था, उसी मुकुट में कलयुग बैठा। और राजा परीक्षित ने जाकर के श्रृंगी ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को, सांप को डाल दिया। और श्रृंगी, श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने राजा को श्राप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनी दंक्ष्यति स्म कुलंगारम नोदितो मे ततद्रुहम। आज से ठीक सातवें दिन इस राजा की मृत्यु होगी, ऐसा श्राप लगा। राजा परीक्षित घबराए नहीं, हर चीज में सकारात्मक देखनी चाहिए, सकारात्मकता देखनी चाहिए। इसलिए राजा ने सोचा कि अच्छा है, मैं दुनिया का पहला आदमी हूँ। लोग कहते हैं कि मृत्यु कब आ जाए पता नहीं, मैं पहला आदमी हूँ जिसे पता है कि उसकी मौत कब आने वाली है। सात दिन मेरे पास है, इसलिए राजा परीक्षित गंगा के किनारे संतों की शरण में गए और सब संतों के दर्शन करके कहा, मेरा जीवन धन्य हो गया। ये शाम संस्मरणात् पुंशाम सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनः दर्शनास्पर्श पाद सोच सनाधि। इतने संत जिसको मिल जाएं तो अब उसको चिंता की क्या आवश्यकता। आप महात्मा मुझ पर कृपा करो कि मुझे परमात्मा मिल जाए। तभी तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, सुखदेव जी आए और 16 वर्ष के सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत का गान सुनाया।